स्क्विड गेम में आपका स्वागत है। खिलाड़ी रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहे हैं। उन्हें पूरी कोशिश करनी है कि वो हिले ना। अरे नहीं, जोशुआ हिला। ओह नो, बहुत डर लग रहा है। डॉल का सारा ध्यान जैक पर है, पर उसका क्यूट चेहरा तो देखिए। ये क्या, यकीन नहीं होता। डॉल जैक से प्यार करने लगी है और वो जानती है कि उसका प्यार कैसे जाहिर करना है। ये क्या, दिल पर क्यों? तो जैक, लगता है तुम्हें नई गर्लफ्रेंड मिल गई है, तो अब तेरा क्या होगा रे सांभा? जानने के लिए देखते रहिए। हिलना मत दोस्तों, अब वक्त है रेड लाइट ग्रीन लाइट का। बस अपनी पूरी कोशिश करो और सावधान रहो। ग्रीन लाइट। खिलाड़ी तभी हिल सकते हैं जब डॉल का चेहरा दूसरी तरफ हो। अरे नहीं, जैक एकदम से रुक नहीं पाया। अरे नहीं, लगता है मैं तो गया। ये क्या, डॉल उसे हिलता देखकर भी अनदेखा कर रही है और लगता है कि वो उसे जिता कर रहेगी। इन्हें हारना होगा। आखिर होने वाला क्या है? गार्ड्स एवरी के पास आ रहे हैं और वो उसकी नाक में गुदगुदी कर रहे हैं। तुम हिली। एक तो गई, अब चलो गेम आगे बढ़ाते हैं। अरे नहीं, तुम्हारे लिए भी अच्छी खबर नहीं है जोशुआ। अब गार्ड्स उसे भी हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो भी हार जाए। वो उसे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पर अब क्या, ये क्या ड्रेस पहना हुआ है स्क्विड गेम गार्ड? नहीं, ये तो बहुत मजेदार है। ओह नो जोशुआ, तुम हिले। जोशुआ गिर पड़ा। तो तय हुआ, अब सिर्फ जैक ही बचा है। एक बात तो साफ है, डॉल उसका इंतजार कर रही है। पर जैक को एक आइडिया आया है। वो जानबूझकर हिल रहा है ताकि गेम से बाहर हो जाए, पर डॉल ये दिखा रही है कि उसने देखा ही नहीं है। तो फिर ये देखो। कुछ नहीं। अरे यार, छोड़ दो जैक, इस बार तो तुम्हें जीतना ही होगा। अरे नहीं। और तुम्हें मिलता है शानदार इनाम, एक तरफा प्यार। ओह नो, कोई है? प्लीज कोई तो मदद करो रे। रस्सा कशी का गेम चल रहा है और लगता है जैक को काफी मुश्किल हो रही है। दूसरी तरफ वाले तो कोशिश भी नहीं कर रहे। देखो, ये तो आराम से टिकटॉक देख रहे हैं और हंस रहे हैं। कितना मजेदार है। इस बीच जैक अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और अब भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो जाहिर है कि डॉल ने उसकी मदद करने का फैसला किया। अब तो जीत जैक और गार्ड्स की ही होगी ना। नहीं, लगता है हमेशा की तरह गार्ड्स भी किसी काम के नहीं हैं। आज भी सारा काम डॉल को ही करना पड़ेगा। ओके, अलग हटो, लाओ मुझे रस्सी दो, आप खींचो। वाओ, अब दुश्मन टीम को उन्हें सीरियसली लेना ही होगा। तो कैसा लगा हा? ये क्या? अरे नहीं, डॉल की बैटरी कम हो गई। ओहो, डॉल फिर से चार्ज्ड हो गई है, पर जैक कहाँ है? ओ, ये रहा, वो बेचारा बहुत जोर से गिर गया है। ओह, ये तो काफी दर्द भरा लग रहा है। तो इतनी मदद के बावजूद जैक हार गया। ओह, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और जाहिर है जैक सारा दोष डॉल को दे रहा है। पर उसने कम से कम तुम्हारी मदद करने की कोशिश तो की, कम से कम उसने तुम्हारे दुश्मनों को पछाड़ तो दिया। हाँ, पूरी तरह से नहीं। क्या लूजर है। खिलाड़ी उनकी जेल में आ गए हैं। धक्का देना बंद करो। देखते हैं कि यहाँ क्या है। एक बेड, दो बेड्स, सिर्फ दो। ये मेरा वाला है। बेचारा जैक, एवरी और जोशुआ ने दोनों बेड्स पर कब्जा जमा लिया है। मेरा बेड, तुमने बहुत देर कर दी। प्लीज, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब जैक कहाँ सोएगा? जेल में तो सिर्फ दो ही बेड्स हैं। अरे नहीं, लगता है उसे जमीन का ही सहारा लेना होगा। कितने दुख की बात है, जैक कार्डबोर्ड पर सो रहा है। डॉल सिक्योरिटी कैमरा पर उसे देख रही है और ये नजारा उसके स्टील के दिल को तोड़ रहा है। मुझे जैक की मदद करनी होगी। सोने का वक्त खत्म हुआ। डॉल यहाँ कुछ बदलाव करने आई है। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? गार्ड्स जोशुआ और एवरी की गद्दियाँ ले जा रहे हैं, मगर क्यों? ओह, वो जैक के लिए बेड बनाना चाहते हैं और अब उसके दोस्त उस पर बहुत गुस्सा है। Yikes!
मैंने कुछ नहीं किया पर यार, मैंने किसी को नहीं कहा था। तुम कांप रहे हो, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? डॉल को समझ नहीं आ रहा है कि उसने जैक को एक खराब पोजीशन में डाल दिया है और अब तो वो कुछ ज्यादा ही कर रही है। उसने दोस्तों का ब्लैंकेट ले लिया, क्या वो गुस्से में है? ओह हाँ, वो बहुत गुस्से में है। जैसे ही डॉल जाएगी वो उसे छोड़ेंगे नहीं, पर डॉल तो अब भी यही है, वो किसी को जैक को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। ओह मैन, तुमने देखा दोस्तों, प्लीज चुप रहो, इस लड़ाई में तुम नहीं जीतोगे। अब जैक सेफ है और डॉल उसे अच्छी नींद सुला कर रहेगी, वो उसके लिए कहानी भी पढ़ने वाली है। नहीं, मुझे कहानी नहीं सुनना, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। कहाना, सो जाओ, रिलैक्स करने की कोशिश करो जैक। मजा आ गया। डॉल जैक को ट्रैक कर रही है, आखिर वो प्लान क्या कर रही है? हाँ, ये क्या है, एक बॉक्स? ओह, लगता है ये किसी का नहीं है। संभल कर जैक। वो, फ्यू, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसे खोलते हैं। ये क्या, अंगूठी? और देखो कौन आया है। ओ, तुम कितने स्वीट हो। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? मंजूर है। ये क्या? ओह नो। बेचारा जैक, डॉल ने तो उससे धोखे से सगाई कर ली है। वैसे काफी रोमांटिक माहौल लग रहा है। नहीं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सॉरी जैक, बहुत देर हो गई है, डॉल ने हाँ कह दिया है। ओ, नहीं, नहीं, नहीं। अब तुम भी हाँ कह दो जैक। मेरा मतलब ये तुम्हारे लिए है हनी। अब ठीक है, वाह क्या जादुई पल है। और अब वक्त है शादी की रस्में पूरी करने का, डॉल की खुशी की सीमा नहीं है। ओके, तो चलो। सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है, जैक के लिए कुछ ज्यादा ही तेज है, बेचारा। पर खुश हो जाओ दोस्त, शायद ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी, मतलब उम्मीद तो है। लंच का वक्त हो गया है, खिलाड़ी देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि आज खाने में क्या होगा, पर जल्दी ही उनकी खुशी गायब होने वाली है। क्या, अंडा और पानी फिर से? प्लीज, मुझे कुछ और मिल सकता है, शायद थोड़ी ब्रेड? ब्रेड सिर्फ गार्ड्स के लिए है, पर जैक हार नहीं मानेगा, वो हर रोज एक खाना खाकर बोर हो चुका है। देखो, क्या मुझे ऐसी कोई चीज मिल सकती है? जैक, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें बर्गर मिल सकता है? कोई फायदा नहीं है, जो भी सामने है तुम्हें वही खाना होगा। ये ठीक नहीं है। पर शायद डॉल जल्दी ही सब कुछ बदल दे, वो नहीं चाहती कि उसका प्यारा जैक बेस्वाद खाना खाए, तो वो आज खुद उसके लिए कुछ पकाने वाली है। खाना बनाने का वक्त आ गया, पर क्या वो सच में अच्छी कुक है? उम्मीद तो है। वाओ, क्या अंदाज है उसका। इस बीच जैक तो बस बर्गर्स के ही सपने देख रहा है। मुझे नफरत है अंडों से। हाँ? ये तुम्हारे लिए है। ये क्या, ये कोई और अंडा है? नहीं, ये तो बर्गर है। बर्गर? अरे वाह, क्या बात है, ओह इंतजार नहीं होता। ये क्या? ये तो हनीकॉम्ब कुकी है, आखिर ये स्क्विड गेम की डॉल है, ये और क्या करेगी। और तुम्हें खुश होना चाहिए जैक। हाँ, अच्छी बात है, यही तो मुझे चाहिए था। ये लो। ओके, तो जैक, लगता है अंडे और पानी का कॉम्बो इतना बुरा नहीं था। ओह, ये कितना मुश्किल है। और यम्मी है। देखो, इसने कर ही लिया। ओह, मैंने कर दिखाया, अब मैं आजाद हूँ। ये क्या? सिर्फ एक कुकी से तुम्हारा पेट भरेगा क्या? सच बताओ। एंजॉय। ओह नहीं, ओह ये बहुत सारी है। नहीं, जैक अब भी लगा हुआ है, पर नहीं, उसने तोड़ दी। ओ याइक्स, प्लीज छोड़ दो मुझे। सॉरी जैक, नियम नियम होते हैं। जैक और एवरी डीडी काजी खेल रहे हैं और एवरी काफी बेहतर खिलाड़ी है। देखो, मैंने तुम्हारा कार्ड पलट दिया। ओह, ये काम क्यों नहीं कर रहा? जैक बहुत परेशान हो चुका है, वो इस गेम में बिल्कुल अच्छा नहीं है और उसकी वजह से एवरी को बहुत मजा आ रहा है, पर जल्दी ही उसे उसके लिए दुख होने लगा। ये अच्छा है कि एवरी उसे खुश करने का तरीका जानती है, आखिर वो क्या करेगी? वो डीडी काजी कार्ड खोल रही है, पर क्यों? हे जैक, मैं तुम्हें एक जादू दिखाना चाहती हूँ, लो मेरे साथ साथ कहो।
करो। काफी अजीब मैजिक ट्रिक है, पर कम से कम जैक की दिलचस्पी तो बढ़ी। और अब इसमें फूको। हंसा दिया ना, कितना क्यूट प्रैंक है। पर संभल कर, कोई जल भुन गया है और डॉल बीच बचाव करने आ रही है। अरे हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अब देखो मत। जैक एवरी के लिए कुछ स्पेशल बना रहा है। ये क्या, फूल? वाह क्या बात है। क्या? ये तुम्हारे लिए नहीं है। पर डॉल को कोई परवाह नहीं है, वो भी जैक के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है, पर बदकिस्मती से उसका अंदाज सही नहीं है। चलो उसने कोशिश तो की। स्क्विड गेम्स हो या नहीं, पर कसरत करना भूलना नहीं चाहिए, हमेशा हेल्दी रहना जरूरी है। जैक भी यहाँ वेट्स उठाने आया है, देखते हैं कि वो कैसा करता है। बहुत भारी है। ओके चलो ये वाला उठाता हूँ, देखते हैं। कोई नहीं, मैं ये वाला ले लेता हूँ। कितना भारी है, तो ठीक है, परफेक्ट। ये बहुत बढ़िया तो नहीं दिख रहा, पर कम से कम वो कसरत तो कर रहा है। सच में क्या डोले शोले है मेरे। अरे सब लोग कहाँ गए? हेलो, ये तो डॉल है, वो यहाँ क्या कर रही है? डॉल जैक के करीब जाना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ जिम में रुकी हुई है। देखो वो भी कसरत कर रही है, और ये तो मानना पड़ेगा कि वो सुपर फिट है। लाओ अब वो सब मुझे दे दो। ये वाला ठीक है, लो। अब डॉल वजन उठाने की कोशिश करने वाली है। लगता है तुम काफी बिजी हो, इसलिए बाय। वैसे जैक तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा नहीं सकते। वैसे सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर और रुक जाऊं। लगता है जैक बुरी तरह से फंस चुका है, और डॉल की कसरत अभी भी जारी है। वाह उसने वजन कितनी आसानी से उठा लिया है, जैक देखकर काफी इम्प्रेस हो गया है। और उसका क्या, क्या तुम इसे भी उठा सकती हो? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, उसने इतनी आसानी से उठा लिया। जैक तो डरना भी भूल गया है, लगता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। एक आइडिया है। हे दोस्तों जरा ये देखो, मैं काफी स्ट्रांग हूँ ना। कितना कूल हूँ मैं। जैक अपनी ताकत दिखाने के लिए डॉल का इस्तेमाल कर रहा है। हाई फाइव। हाँ ये क्या, अरे मैं तो गया। जैक पूरे ध्यान से काम कर रहा है। हो गया, देखो जोशुआ मैंने यहाँ से भागने का प्लान बनाया है। क्यों, ये तो शानदार है। क्या दिमाग चलाया है, पर अब इसका इरादा क्या है? क्या ये सच में भागने की कोशिश करने वाला है? ओके तो हो जाए। पर जोशुआ उसे मना करने की कोशिश कर रहा है। फिक्र मत करो, मैं कर सकता हूँ, बाय। देखो जैक पाइप्स में है। अरे नहीं, डॉल यहाँ पर जैक से मिलने आई है, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। सब जगह तलाशी लो। और तलाशी शुरू हो जाती है, गार्ड्स सब जगह देख रहे हैं। इस तरह वो उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। बेचारे जोशुआ का डर के मारे बुरा हाल है, उसने अपने ही दोस्त को ऐसा ना करने को कहा था, पर शायद गार्ड्स तलाशी कम ले रहे हैं और घबरा ज्यादा रहे हैं। अरे देखो उनके पास फ्लायर्स भी हैं। नहीं वो यहाँ नहीं है, शायद गद्दी के नीचे होगा। हट बे। नहीं वो तो यहाँ भी नहीं है। कितनी बड़ी गड़बड़ी है, लगता है ये अभी से हार मान रहे हैं। इसका मतलब जैक सच में भाग जाएगा। हाँ ये आवाज कैसी, मुझे लेजर से चेक करना होगा। हाँ मैं बस पहुँच ही गया हूँ। मैं आजाद हूँ। अरे ये इतना गर्म क्यों है? मेरे हाथ। अरे नहीं ये तो डॉल है, उसने पाइप ही जला डाले। अब जैक भाग नहीं पाएगा, संभल कर। वाह क्या बढ़िया कैच है, आसमान से गिरा और सीधे खजूर में अटका। नहीं नहीं जाने दो मुझे। भागने का प्लान फेल हो गया, और अब गार्ड्स इस गड़बड़ी के लिए जैक को सजा देना चाहते हैं। अब जेल तोड़कर भागना काफी संगीन जुर्म है। पर ये क्या, आखिर डॉल का इरादा क्या है? लाओ ये मुझे दो, जैक गिल्टी नहीं है, ये किसी चश्मे वाले ने किया है, देखो। और यहाँ सिर्फ एक को चश्मा है, वो है। ओ नो, डॉल ने सारा इल्जाम जोशुआ पर लगा दिया, ये तो ठीक नहीं हुआ। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कसम से ये सब जैक का किया धरा है। चलो कम से कम डॉल का जानू तो एकदम सेफ है। अरे अरे कोई तो बचाओ मुझे।